हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और न्यू डिज़ाइन की तोरण लेकर आए हैं। इसमें मैंने फ्रेम के फूलों का यूज किया है। ये देखने में बहुत ही सुंदर है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो देखिए, आज हम ये तोरण बनाना सीखते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने ये एक बारे की चेन बना ली है। फिर इस तरह से धागा करके डबल क्रोशिया कर लेते हैं। फिर दोबारा भी इसी तरह से डबल क्रोशिया कर लेते हैं और पूरी लाइन को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए, मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब सेकंड लाइन में भी इसी तरह से धागा करके डबल क्रोशिया कर लेते हैं। देखिए, फिर दोबारा से इसी तरह से धागा करके डबल क्रोशिया कर लेते हैं। देखिए, सेकंड लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड लाइन में भी इसी तरह से तैयार करेंगे। और पूरी पट्टी को इसी तरह से बना लेंगे। देखिए, मेरी पूरी पट्टी बनकर तैयार हो गई है। अब इस तरह से धागे में गांठ बांधकर एक ही होल से तीन बार डबल क्रोशिया कर लेते हैं। फिर दो की चेन बना लेते हैं। फिर एक ही होल से तीन बार डबल क्रोशिया कर लेते हैं। फिर दो की चेन बना लेते हैं। पूरी पट्टी के ऊपर इसी तरह से ये डिजाइन बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए, हम फ्रेम के फूल बनाना सीखते हैं। देखिए, हम एक कील में ये गांठ बांध लेते हैं धागे से। फिर इस तरह से धागा करके एक बार इधर लपेटते हैं, दूसरी बार इधर। इसी तरह से सारी कीलों पर ये धागा लपेट लेते हैं। देखिए, ये हमारा एक राउंड लपेट कर तैयार हो गया है। दूसरे राउंड में भी इसी तरह से धागा लपेट लेते हैं। देखिए, मैं 8-10 बार ये धागा लपेटूंगी। अगर आप मोटा बनाना चाहते हैं तो ज्यादा बार लपेट सकते हैं। फिर इस तरह से कट कर लेते हैं। अब सेकंड कलर की ऊन पहले धागे में बांध लेते हैं। अब जो अंदर वाली कील है उसमें भी इसी तरह से धागा लपेटते हैं। एक बार इधर बढ़ाते हैं, दूसरी बार इधर से।
देखिए इसमें भी मैंने 8-10 बार लपेटा है। अब इस तरह से धागा बांध देते हैं। अब मैंने ये लगभग आधा मीटर लंबा धागा काट कर लिया है। अब इसके बीचों बीच से ये सुई निकालते हैं। ये टाइट खींच लेते हैं। अब इस कील के बीच में से ये सुई निकालते हैं। अब इससे अगले होल में कर ये सुई निकालते हैं और आगे भी इसी तरह से। देखिए अब जो पहले छोड़ रहा था अब उसमें कर सुई निकालते हैं और इसे टाइट खींचते हैं जिससे कि फूल ढीला ना हो। देखिए मेरा फूल सिलकर तैयार हो गया है। देखिए कील से ये धागे को निकाल लेते हैं। देखिए ये मेरा फूल बनकर तैयार हो गया है। अब इसकी एक फूल पत्ती में कर इस तरह से धागा बांध कर डबल क्रोशिया कर लेते हैं। दोबारा भी इसी तरह से एक होल में से 5 बार डबल क्रोशिया कर लेते हैं। फिर एक की चेन बनाते हैं। फिर उससे अगले होल में कर 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब फिर एक की चेन बनाते हैं। फिर से 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे और इसी तरह से पूरे फूल के चारों तरफ ये डिजाइन बना लेंगे। देखिए देखिए मेरा पूरा फूल बनकर तैयार हो गया है। देखिए इसी तरह से मैंने ये और भी फूल बना रखे हैं। अब इस तरह से फूलों को लगाकर हम इन्हें सिल लेंगे। देखिए अब इन्हें धागे से टाइट सिलते हैं जिससे कि ये खुले नहीं। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसी तरह से हम सभी फूलों को सिल लेंगे। देखिए इधर भी इसी तरह से सिल लेंगे। देखिए ये मेरे सारे फूल बनकर सिलकर तैयार हो गए हैं। अब इन फूलों को इस पट्टी पर इस तरह से सिल लेंगे।
देखिए मैंने इन्हें पट्टी पर सिल लिया है। अब इसकी चारियों ओर डिजाइन बनाएंगे इस तरह से, सिंगल क्रोशिया करके एक चेन बना लेते हैं। इस तरह से डबल क्रोशिया करके फिर एक चेन बना लेंगे। और फिर इसमें कर डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर एक चेन बना लेंगे और इसके चारों तरफ इसी तरह से ही डिजाइन बना लेंगे। अब देखिए अब इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके एक चेन बना लेते हैं। अब इस पहली चेन के बीच से डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर एक चेन बना लेंगे। अब अगली चेन के बीच से फिर से डबल क्रोशिया कर लेंगे। और इसी तरह से इसके चारों ओर ये डिजाइन बना लेंगे। देखिए अब मैं ये फूल बनाना बताऊंगी। ये मैंने उंगलियों पर इस तरह से 20-25 बार ये धागे को लपेट लिया है। अब इस तरह से कट करके अब एक चेन मेकर बनाकर इसे बांध देंगे। देखिए मैंने एक्स्ट्रा उनको कट कर दिया है। देखिए हमारी ये पूरी झालर बनकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। थैंक यू।